नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एशिया कप को लेकर बात बन चुकी है। एशिया कप को लेकर जो खबर आई है उसने कहीं ना कहीं एक तरफ क्रिकेट फैंस को खुशखबरी दी है तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक खबर भी है, टीम इंडिया के लिए एक संकेत है कि कहीं टीम इंडिया फंस ना जाए। और वो फंस कैसे सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दरअसल अभी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई थी, तमाम जो देश हैं वो उसमें शामिल हुए थे। आपसी रजामंदी के बाद ये बात कही गई कि भाई भारत के मैचेस बाहर कर दीजिए। अब पाकिस्तान में भारत ने जाने से मना कर दिया था तो भारत के मैचेस बाहर करने के लिए बात कह दी गई। अब यहां पर जो चार देश आए हैं जहां पर भारत के मैचेस बाहर हो सकते हैं, उन चार देशों में यूएई है, उन चार देशों में ओमान है, उन चार देशों में श्रीलंका है और सबसे हैरानी करने वाला जो नाम है उन चार देशों में वो है इंग्लैंड का। मतलब इन चार देशों में से कहीं भी भारत के मैच कराए जा सकते हैं जैसे ही परमिशन मिलेगी, जैसे ही बातचीत होंगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, ये नाम साफ कर दिया जाएगा कि कौन से देश में भारत के मैचेज होंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी परेशानी बाकी टीमों के लिए है। टीमों के लिए परेशानी ये है कि भारत तो जिस देश में भारत के मैच होंगे भारतीय टीम तो वहां पर रहेगी, लेकिन जो दूसरी टीम होगी उसको ट्रेवल का नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कभी पाकिस्तान जाएगी, वो कभी इंग्लैंड जाएगी, वो कभी पाकिस्तान जाएगी या फिर कभी श्रीलंका जाएगी, तो इस तरीके से दूसरी टीम को ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक टीम इंडिया के लिए भी थोड़ा सा दुख वाला संकेत है या टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा फंसने वाला संकेत है, वो ये है कि अगर यूएई या श्रीलंका में, अगर श्रीलंका में मैचेज होते हैं टीम इंडिया के, अगर ये परमिशन दी जाती है कि भारतीय मैचेज श्रीलंका होंगे तो वहां पर टीम इंडिया के लिए मुश्किल आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले श्रीलंका की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी भारतीय टीम से तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि श्रीलंका की टीम दूसरे ग्रुप में है, बांग्लादेश श्रीलंका ये अफगानिस्तान ये दूसरे ग्रुप में और भारत और पाकिस्तान ये अलग ग्रुप में, लेकिन अगर श्रीलंका की टीम आगे बढ़ती है और सुपर फोर में राउंड टू में पहुंचती है तो फिर श्रीलंका की टीम को अपने होम ग्राउंड का फायदा मिल सकता है। उसके अलावा श्रीलंका में स्पिन ट्रैक होते हैं, श्रीलंका की जो पिचेज होती है वहां पर स्पिन को फायदा मिलता है, और ऐसे में टीम इंडिया को पाकिस्तान अपनी स्पिन के दम पर फंसा सकती है। क्योंकि अगर भारतीय टीम को आप पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें या पिछले कुछ मैचेस के आंकड़े आप देखें टीम इंडिया के, तो स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया फंसती हुई नजर आई है। स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया है। हमारे आप ऊपरी क्रम के सभी बल्लेबाजों को देख लीजिए, स्पिन के खिलाफ सभी ने स्ट्रगल किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम जो भारत से जिसके भारत से लगभग दो मैच तो होंगे होंगे, तीन मैच भी हो सकते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम भारत को फंसा सकती है स्पिन ट्रैक पर। ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात होगी क्योंकि सारा स्ट्रक्चर तय हो चुका है, कहां कहां मैच होंगे ये सब चीजें तय हो चुकी हैं, शेड्यूल पूरा तय हो चुका है, लेकिन अब देश सेलेक्ट करना बाकी है कि किस देश में भारत के मैच करवाए जाएंगे। लेकिन अगर श्रीलंका में होते हैं जाहिर तौर पर तो पाकिस्तान की टीम मुश्किलें खड़ी कर सकती है, तो टीम इंडिया को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि स्पिन के खिलाफ कैसे बचना है। आपका इसको लेकर क्या कहना, आप क्या मानते हैं कौन से देश में भारत के मैच होने चाहिए? जो चार देश मैंने बताए हैं उनमें से कौन से देश में भारत को फायदा हो सकता है, कौन से देश में भारत के मैच होने चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि इस तरीके से टीम इंडिया को कोई फायदा होगा कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा और भारत के मैचेज अलग होंगे, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।